तुम बताओ, दानियाल से मुलाकात हुई? हाँ हुई, अगर काश ना होती तो मैं उसका वो रूप नहीं देख पाती जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटा ही सही, भरोसा तो ना टूटता, मानो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता। लेकिन अच्छा ही हुआ, अगर वो मेरे साथ ये सब कुछ ना करता ना तो मुझे कमाल की मोहब्बत का एहसास कभी भी ना होता। इरशाद, भूल जाओ उसको। ऐसे इंसान को याद रखे तुम सिर्फ खुद को अजियत दोगी। भूल जाती अगर वो मुझे धोखा देकर पीछे हट जाता, मगर चाहकर भी नहीं भूल सकती क्योंकि वो हर पल मेरी नजरों के सामने आता रहेगा। आइजल से शादी करके वो इस खानदान का हिस्सा बन जाएगा। तुम ये होने दोगी? मैंने कोशिश की थी कमाल को बताने की, पकड़ नहीं बता पाई। मगर बानो, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कमाल को अब सब कुछ सच सच बता दूंगी। इरशा, तुम जानती हो सब के बाद क्या होगा? पता नहीं, मगर अब मैं सच बताए बगैर रह नहीं सकती। कमाल बहुत मोहब्बत करने लगे हैं मुझसे, इतना तो हक बनता है उनका कि जिससे वो मोहब्बत करते हैं उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। इरशा भी आ गए। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशा बैठो बैठो बैठो। कैसा महसूस कर रही हैं आप? इनको बैठे काफी देर हो गई है। हाँ तो हमने कर दिए, लेकिन ये दानिश के डैडी की तमन्ना थी कि वो एक छोटी सी रस्म कर ले, तो हमने तो कह दिया कि भाई इरशा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम आ गई हो तो क्या ख्याल है कमाल? बिस्मिल्लाह करें। साहब इजाजत है? क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल इजाजत है, बिस्मिल्लाह करें। दानिश बेटा जी, आजल को ये अंगूठी पहन शामिल। सकीना सकीना, मिठाई तो लाओ। Thank you.
बहुत बहुत मुबारक। ए, मुबारक भाई मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक। अब आप इस महीने की कोई तारीख दे दें ताकि हम आकर अपनी बेटी को रुख्सत कर दें। क्या बात कर रहे हैं इश्ताक साहब? इतनी जल्दी तो हम कोई तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए कबाब साहब, बस अपनी बेटी को उसके घर ले जाना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन देखिए मेरी इकलौती बेटी है, बहुत लाडली है, इसकी शादी को लेके बहुत अरमान है मेरे। आप शौक से अपने अरमान पूरे करें, सच तो ये है कि मैं अपने बेटे दानिश का अकेलापन नहीं देख सका। डैडी प्लीज, चाहता हूं कि जल्दी अपना घर बसा ले, ये इतमान हो जाएगा। ठीक है, अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। क्या कहती हो इरशा? जैसे आपको मुनासिब लगे। कर लेते हैं डिसाइड फिर इंशाल्लाह। मुंह तो मीठा करें ना यार। मैं चाय बनवाती हूँ आप लोगों के लिए, आओ सकीना। लो भाई बस। अरे खाओ यार, क्या हो गया, ये लो तुम तो पूरा खाओ। पप्पू ट्राई करें। कांग्रेचुलेशन। कमाल साहब अब डिसाइड हो गया, आप इस महीने कोई तारीख देंगे, ठीक है? अब हमें इजाजत दें। आई आओ भाई। आई एक सेकंड, वो मैं कार कीज भूल आया था। एक्सक्यूज मी। मैं कह रहा था कि पेमेंट कल तक मिल जानी चाहिए क्योंकि आगे शादी की तैयारियां भी करनी, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि प्लीज मेरे और आयजल के बीच में आने की कोशिश ना करें। यू नो हाउ मच शी लव्स मी। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर ले। तो कमाल साहब बेचारे पहले ही दिल के मरीज हैं। हाँ इंशाल्लाह, सी यू एट द वेडिंग। खुदा हाफिज। Yes. अरे इरशा आओ आओ बैठो। क्या हुआ, सब खैरियत? यहाँ साइन कर दें आप, और प्लीज ये मत पूछिएगा कि ये पैसे क्यों चाहिए मुझे, मैं अभी आपको नहीं बता सकती। मैंने पहले कब पूछा है जो आप पूछूंगा? कर देता हूँ साइन। हाथी के पैसे, जो मर्जी करना है करें आप। 20 मिलियन। इरशा ये तुम्हारी कंपनी का चेकबुक है, इस पे मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है। ओ, शिराजी साहब ने कहा था। शिराजी ने कहा? एक मिनट। शाहिद साहब जरा मेरे कमरे में आइए। मैं कमेंस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
जी सर, बुलाया आपने? शिराजी, ये इरसा की कंपनी है ना, इरसा बिल्डर्स। जी सर। तो इनकी चेकबुक पे मेरे सिग्नेचर्स की क्या जरूरत है? सर वो एक्चुअली आजल मैडम ने कहा था ऐसा करने के लिए। एक अथॉरिटी लेटर बनवा ताकि मैं उस पर साइन करूं, जिसके बाद इनके किसी भी चेक पे मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत। सारी अथॉरिटी इरसा के पास हो, ठीक है? जब चाहें जितने चाहे पैसे निकाल सकती है। राइट सर, थैंक यू। लीजिए जनाब, हो गए साइन, और मैंने पूछा भी नहीं। थैंक यू। यू वेलकम। और इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, प्यारी सी एक मुस्कुराहट दे दिया करें बस। ये चलो लंच पे मिलते हैं, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये अभी के अभी पढ़ के खत्म करने हैं। करो, what the hell? बेकारी समझाया तुम बच्चे क्या? हाँ, रख लेता हूं अब मैं टोकन समझ के। लेकिन एक शर्त पर, अगली पूरी पेमेंट एक साथ होनी चाहिए। वरना कमाल या आयजर, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हो जाए। कोशिश नहीं करो, करना पड़ेगा। Do you get that? हाँ भाई, मेरा मतलब है जल्द से जल्द कर दूंगी। कुछ पियोगी? नो थैंक यू। हाजी साहब, ये कुछ अच्छा दिखा है मैडम के लेवल का। आप जानते हैं ना कि ये कौन है? कमाल हसन की बेटी हैं। जी जी जी, मैं आपके लेवल का देख रहा हूँ। ये दानिश खान की होने वाली वाइफ भी है। सर ये है। ये अच्छा है, दिस लुक्स गुड। फ्राइड राइस। डिड यू लाइक इट? आजी साहब, ये है ना इनके लेवल की चीज, बस आप जल्दी से पैक कीजिए इसे। ठीक है सर। कुछ और? थैंक यू। यू आर वेलकम। अगर ज्यादा देर हो जाती तो पेशेंट को बचाना मुश्किल था। आर यू श्योर डॉक्टर? यस ऑफ कोर्स।
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा और माँ दोनों सेफ हैं। हैं? क्या बच्चा मुराद? बीस दिन में आयजल की शादी है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप दोनों को जहमत दी है मैंने। आप लोग दोनों मेरे बेस्ट लोग हैं। राशिद साहब, वो ऑफिस के इवेंट जितने भी आपने अरेंज करवाए हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे, तो मेरे ख्याल से जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं सारी उनको देते हैं, ठीक है? उनसे आप मेरी बात करवा दें तो जो भी होता है वो बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। बाकी शिराजी, खाना ऐसा चाहिए कि मुद्दतों याद रखें लोग के कमाल हसन के घर उसकी बेटी की शादी पे को खाना गया। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, इस शादी को लोग बरसों तक याद रखेंगे, हर चीज नई होगी सर। बिल्कुल, और देखें हमारे जितने भी गेस्ट हैं, कोई भी है वो हमारे लिए वीआईपी है, तो गाड़ी से उतरने से लेकर टेबल तक उसको इतना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि वो खुश होके जाए यहाँ से, ठीक है ना? राइट सर। और प्लीज आप जरा फाइनेंस देख लीजिएगा, पैसे मत रोकिएगा। सो और कोई भी काम हो एनी टाइम आप लोग कॉल कर ले मुझे। इजाजत सर। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। लग जाओ भाई, लग जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, मेरी जान निकल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सारा कुछ कैसे मैनेज हो। तुम भी चलो ना हमारे साथ। कहाँ? आयसल का ब्राइडल सूट फाइनल करना है आज, चलो तुम भी। नहीं पप्पू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे पप्पू आप एक काम कीजिए, आप आयसल को लेकर आइए, जा रही है आपके साथ। ठीक है, बस जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है, परेशानी है? नहीं। ऐसा मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ आयजल कभी कभार कुछ ऐसा कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, उसके लिए मैं वाकई तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो बेटी है, इकलौती है, लाडली है, और सबसे बढ़ के अब तो थोड़े दिन की मेहमान है। बस मैं तुमसे एक दरखास्त करना चाहता कि एक माँ बनकर आयजल की शादी के इंतजाम जो हैं वो संभाल लो। मैं नहीं जानता उसको कैसा लगेगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज थैंक यू, जाओ। तो है ये? नहीं दादो, मैं शादी पे ब्लैक पहनूंगी क्या? क्या कीमत है इसकी? जी 1.5 लाख। दादो पूछना तो चाहिए ना। कुछ और है आपके पास? हाउ अबाउट दिस वन? ये काफी हैवी वर्क है। बहुत अच्छा है। मुझे कुछ यूनिक चाहिए, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं पहना। ऐसा तो आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। शादी है कब? 15 दिन बाद। एक ड्रेस है मेरे पास पर उसकी प्राइस। आप प्राइस की फिक्र मत करें, आप मुझे प्लीज ड्रेस दिखाएं। आई This one. ये देखिए। That's pretty. खोल के दिखाऊं? ये देखिए। ये हमारा सबसे भारी जोड़ है। Shut up. How
और छेड़े मेरा। क्या हरकत है, कोई देख लेता तो? और जो तुम कर रही थी अंदर, अगर वो कोई देख लेता तो? क्या किया मैंने? जिस तरह मुझे और फाइसल को देख रही थी ना, उससे साफ पता चलता है कि कितने ज्यादा सब। खैर छोड़ो, मैंने ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बस कुछ याद दिलाना था। याद है मुझे और मैं कोशिश कर रही। क्या कीमत है इसकी? जी पंगाला, आपने पहले क्यों नहीं लिखा? एक काम करें, आप इसे पैक करना है। जी श्योर, थैंक यू। ये लो कांगर, मैं अंधे करा दूँ। कल ऑफिस आ जाऊँ? नहीं मैम, कॉल करूंगी। तुम कब? कल। आइजन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली तुम्हारी मामा की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए बाहर आ गए। क्या हुआ अर्सा? कुछ नहीं दादू, बस इनको अंदर घबराहट हो रही थी तो मैं इनको बाहर ले आया कि आगे लंबे लंबे सांस ले। कैसी है बेटा, कहो तो डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं पापा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब ठीक हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है। दानिश बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दादू किस तरह की बात करती हैं, बेटा भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। आइजल, प्रेस फाइनल हो गए तो चले फिर। हाँ ठीक है, इरसा की तबीयत भी ठीक नहीं, हम फिर आ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली तुम्हारी मामा की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए बाहर आ गए। वॉशरूम यहाँ पर है, प्लीज आप जाइए। Is everything okay? Yeah, everything is okay. वो मैं वॉशरूम का बता रहा था, मैं इस साइड पर। चले हाँ, लेकिन किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए पप्पू। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने छोटा सच बताकर कोई बहुत बड़ा सच छुपा लिया हो। आइजल, आई एम वेरी स्केयर्ड। उससे वादा करो, कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी स्टेप मदर को मैं अच्छा नहीं लगा। तुम्हें किसने कहा ये? उनकी आंखों ने, उनकी खामोशी ने और उनकी संजीदगी ने। कोई और तो पसंद नहीं तुम्हारे लिए?
ठीक नहीं कर रही हो तो बहुत पछताओगी। सब कुछ पाकर भी ना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। से मोहब्बत करते हो या उसे भी मेरी तरह धोखा दे रही हो? तुम्हें क्या लगता? तुम जैसा शख्स किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सिर्फ धोखा दे सकता। लेकिन याद रखना, मैं भी ये शादी होने नहीं दूंगी। क्या ये सब कुछ? मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूं? धोखा दिया है तुमने मुझे और शायद आइजल को भी। मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज सी, मतलब वो सब कुछ झूठ था। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा घर, वो मोहब्बत के दावे, सब कुछ झूठ था। Thank you.